वेलकम टू माय चैनल मिस पूजा कुकिंग। मेरे चैनल मिस पूजा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी। जो हम शादी पार्टीज़ में खाते हैं, सेम वैसी ही हम आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हींग, कसूरी मेथी, अदरक और लहसुन, एक हरी मिर्ची, दो प्याज बारीक कटे हुए, खड़ा गरम मसाला, इसमें तेज़पत्ते, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जीरा है, दही, दो टमाटर, हम दही डालेंगे इसलिए टमाटर कम लेंगे, तीन आलू और एक फूल गोभी का, और ऑयल। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल डालेंगे, करीब दो बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है, दो बड़े चम्मच है ये तेल की। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ये हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे, इसे हम अलग से पकाएंगे। एक पहले हम आलू लेंगे, आलू को क्यूब्स में काटेंगे। हमें आलू को जो है ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि अगर आप बारीक काटेंगे तो जो हमारे आलू हैं वो एकदम से गल जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, काटते वक्त आलू जो हैं थोड़े से मोटे पीसेस में ही काटें, इन्हें ज़्यादा बारीक ना करें, वरना ये एकदम गल जाएंगे। ऐसे ही सारे हमें आलूओं के क्यूब्स कर लेने हैं। ये हमारे जो आलू हैं वो कट चुके हैं सारे, हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है, उसमें हम हमारे कटे हुए तीन आलू जिनके हमने बड़े पीसेस काटे हैं, इसमें हमारा एक फूल, एक मीडियम साइज़ फूल गोभी का लिया है, इसे डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें कम से कम 20 मिनट पकाना है, 15 से 20 मिनट पकाना है। इसे हम ढक्कन लगा के कवर करेंगे और इसे पकने देंगे। जब तक हमारा आलू गोभी रेडी हो रहे हैं, हम अलग से कढ़ाई में तेल डालेंगे, करीब दो चम्मच तेल मैंने कढ़ाई में डाला है। इस जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, आप हमारे अपने आलू गोभी को चेक करें, कहीं ये कढ़ाई में लग ना जाए, इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और वापस से ढक्कन लगा के, लीड लगा के इसे पकने दें। ध्यान रखिए हमें इन्हें अच्छे से पकाना है। इसी में जितने हम एक ब्लेंडर जो हमारे टमाटर हैं उनकी प्यूरी रेडी करेंगे, हमारे टमाटर की प्यूरी हमने रेडी कर ली है। इतना हम कढ़ाई में तेज़पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची, जीरा और काली मिर्च डालेंगे और लौंग डालेंगे। इसमें हम एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे, इसे अच्छे से थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ही थोड़ा सा इसे पकाएंगे, जिससे हमारे जो मसालों का स्वाद है वो तेल में आ जाए। हमारा जो हम आलू गोभी को चेक करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करते रहें, बहुत ही केयरफुली आप इसे बार बार चेक करते रहिएगा हर 5 मिनट में, कि कहीं ये लग ना जाए। आप देखिए हम आलू गोभी जो है वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गए हैं, हमें इन्हें अच्छे से पकाना है, हमने इसे फ्राई नहीं किया है, हम इसे सिर्फ ऐसे ही पकाएंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच है, इसे हमें अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। जो हमारी पार्टी स्टाइल गोभी है वो बहुत ही अच्छी मसाले वाली बनती है। इसमें हम दो कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे, इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप ये जो सब्ज़ी है कभी भी आप अपने घर पे फैमिली मेम्बर्स के लिए बना सकते हैं, कभी भी आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब आपसे इसकी रेसिपी पूछते रह जाएंगे, आपकी खूब तारीफ होगी। हमारे जो आलू गोभी उसे हम चेक करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करते रहें और चेक करें कि देख हमारे आलू पक चुके हैं या नहीं पके हैं। तो हम चेक करेंगे हमारे आलू जो हैं, देखिए आसानी से टूट रहे हैं हमारे आलू और गोभी, इसका मतलब ये एकदम रेडी है। हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इतने हम हमारी ग्रेवी रेडी करेंगे। हम डालेंगे हमारे जो प्याज है भुन चुके हैं उसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मैंने इसमें दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डाला है क्योंकि हमने इसमें खड़े गरम मसाले डाले हैं, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें जैसा आप खाते हैं नमक, और इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे।
और हमारी जो टमाटर की प्यूरी है वो टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हमारे 2 टमाटर की ये प्यूरी है, इसे अच्छे से मिक्स करके हमें पकाना है। 5 से 6 मिनट हम इसे करीब पकाएंगे अच्छे से, जिससे हमारी जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। जो हमारी पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। सीरियसली बोल रहे हो आप, एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। इसमें हम थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए 2 चम्मच दही डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच अमचूर बहुत है। पर जो हलवाई है, जो पार्टीज़ में जब आलू गोभी बनती है उसमें हम दही ऐड करते हैं। इसके अंदर हम आधा कप पानी डालेंगे। ये सूखी सब्जी ही बनती है, पर अगर आप चाहें इसमें ज़्यादा करी करना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अंदर हम हमारे पके हुए आलू और गोभी को ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 2 मिनट पकाएंगे। ये ज़्यादा पतली ग्रेवी की नहीं होती है, ये थोड़ी थिक ग्रेवी में ही होती है। इसमें हम धनिया डालेंगे, हमारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इससे जो हमारी सब्जी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखिए सब्जी दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है, तो मुझे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, नान, परांठा या चावल के साथ खाइए और अपने व्यूज़ जो है शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग।